विद्यालय जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर परीक्षा के परिणाम की घोषणा होने ही वाली है। इसकी परीक्षा में एक और शर्त है, वह है 90 अंकों का आपका साक्षात्कार होगा। अगर आप उसका विज्ञापन उठा करके देखें तो इसमें लिखा हुआ है, द इंटरव्यू इज ऑफ 19 मार्क्स, मेरिट लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेंड बाय द कैंडिडेट इन द रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू। द वेटेज ऑफ रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू विल बी इन द रेशियो ऑफ 80:20 टेकन टुगेदर। अर्थात आपका इंटरव्यू में 90 में से 20% लिया जाएगा और जो आपकी लिखित परीक्षा हुई है लिखित परीक्षा में से आपके 80% लिए जाएंगे। अब देखते हैं इसके साक्षात्कार में क्या पूछा जा सकता है। देखिए, यह शिक्षण संस्थान है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, तो इसमें साक्षात्कार पर विशेष रूप से आपको व्याकरण एवं प्रयुक्ति के प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि हिंदी प्रयोग से संबंधित या राजभाषा नियम अधिनियम से संबंधित चीज़ों से अधिक वहाँ जो भी साक्षात्कार ले रहे होंगे वे लोग हिंदी व्याकरण में वरद हस्त होंगे, तो आपसे हिंदी व्याकरण के कई प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हिंदी व्याकरण के अलावा आपसे हिंदी साहित्य के इतिहास के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पठन पाठन होता है, तो जो भी प्रोफेसर्स होंगे इंटरव्यू लेने वाले या जो भी टीचर होंगे वे आपसे हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी व्याकरण एवं प्रयुक्ति पर कई प्रश्न कर सकते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए आपको हिंदी साहित्य इतिहास का कोई भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न वाला पुस्तक हो उस पुस्तक को आप लोग देख लें, विशेषकर किस काल में कौन हुआ है, किसकी रचनाएँ कैसी हैं, किस प्रकार की रचनाएँ लेखक और रचनाओं का। व्याकरण की प्रयुक्ति में विशेष करके संज्ञा सर्वनाम और विशेषण, इनके रूप और इनके रूप किस प्रकार से किन परिस्थितियों में बदलते हैं इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लीजिए। तीसरा होगा इसमें आपसे प्रशासनिक शब्दावली के प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको हो सकता है 8 या 10 ऐसे शब्द दिए जाएं और उनका कहा जाए कि आप इनका अर्थ बताएं। यदि समय मिले तो आप प्रशासनिक शब्दावली देखिए, यह पुस्तक है प्रशासनिक शब्दावली, ए ग्लॉसरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स, ये भारत सरकार की संस्था है वह प्रकाशित करती है। देखिए यहाँ नाम लिखा हुआ है, तो यह आपको अमेजन वगैरह पे भी मिल सकता है। आपके कोई परिचित हो किसी सरकारी कार्यालय में तो थोड़े दिन के लिए उनसे मांग के आप पढ़ लीजिए उसको, क्योंकि प्रशासनिक शब्दावली से ज़रूर आपको प्रश्न दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि आप इनका अनुवाद करके दिखाएँ। इसके बाद अंतिम जो चरण होगी उस अंतिम चरण में आपसे राजभाषा नियम अधिनियम और आप हिंदी में या फिर अनुवादक के पद पर आ रहे हैं तो यहाँ आपसे क्या क्या अपेक्षाएं हैं, आप कार्य कैसे करेंगे। जैसे अनुवाद का कार्य हो सकता है कम हो, लेकिन जो अनुवादक कार्य करते हैं कार्यालयों में उससे संबंधित कार्यों पर आपसे अधिक चर्चा हो सकती है। एक अनुवादक को अपने कार्यालय में क्या कार्य करना चाहिए, इस विषय पर मेरे अन्य वीडियो हैं, आप देख सकते हैं, या यदि आपकी इच्छा होगी तो एक आध सेशन मैं आपके साथ ले सकता हूं। तो इन चार मदों पर अगर आप विशेष रूप से ध्यान देंगे तो इसके साक्षात्कार में आपको सफल होने में आसानी रहेगी, और इन्हीं को लेकर के अभी से अपनी चर्चा शुरू करिए ताकि समय आते ही आप आसानी से हर कार्य कर पाएँ। हाँ, राजभाषा नियम अधिनियम जब आप पढ़ेंगे तो उसमें तिथि डेट जरूर याद रखिएगा, डेट और सन, जैसे राजभाषा अधिनियम कब से लागू हुआ, राजभाषा नियम 10-4, 10-5 ये क्या है, राजभाषा नियम कब लागू हुआ, राजभाषा से संबंधित विभिन्न प्रावधानों को किसने हस्ताक्षरित किया, उस समिति में कौन कौन लोग थे, इस विषय पर विशेष रूप से मंथन कर लीजिएगा। बाकी विषय विशेष आपकी कोई क्वेरी हो तो आप संदेश बॉक्स में लिख कर दीजिएगा, उस विषय पर फिर मैं अलग से आपकी तैयारी करवा दूंगा।